तो कल का मंडे नाइट रॉ तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज कल ही होने वाला है WWE की इस न्यू वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का टूर्नामेंट, और वो कंटिन्यू रहेगा उसके बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड तक। और जो इस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, जो 12 रेसलर्स, उनके भी नाम WWE वालों ने ऑफिशियली रिवील कर दिए है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि ये टूर्नामेंट किस तरीके से होगा, इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट का, तो फिर आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जो मैंने कल ही शाम को डाली थी, जिसमें मैंने पूरा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का टूर्नामेंट एक्सप्लेन किया था किस तरीके से होने वाला है। तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हो, 2 ही मिनट की है, और उसको देखते से ही वापस आ सकते हो इस वीडियो पे, जिससे आपको इजी रहेगा ये वीडियो समझने में। तो टोटल 6 सुपरस्टार होने वाले मंडे नाइट रॉ से और 6 होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर। इस पोस्टर में जो आप 6 सुपरस्टार आगे की लाइन में देख रहे हो, वो 6 के 6 है मंडे नाइट रॉ से, और पीछे के जो देख रहे हो वो 6 के 6 है स्मैकडाउन से। अब कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर इन 6 सुपरस्टार के 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस होने वाले हैं, और उन दोनों के जो विनर्स होंगे वो कल ही मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में मैच करेंगे जीतने के लिए, और जो जीतेगा वो पहुंच जाएगा सीधा नाइट ऑफ चैंपियंस के फाइनल में। तो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ से हमारे पास है दी ए लिस्टर मेज, सिंसके नाकामुरा, फिन बैलर, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट। एंड स्मैकडाउन से है दी ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली, दी रेटेड आर सुपरस्टार एज, हमारे दी रिटर्निंग फिनोमिनल वन एजे स्टाइल, 619 मास्टर रे मिस्टेरियो, दी ए टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी एंड दी केल्टिक वॉरियर शेमस। तो कल जो 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस होने वाले हैं, उनमें एक के विनर तो आई थिंक नो डाउट हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही रहने वाले हैं, एंड जो सेकंड ट्रिपल थ्रेट मैच होगा उसके विनर आई थिंक कोडी रोड्स रह सकते हैं। अब कोडी रोड्स क्यों, फिन बैलर क्यों नहीं, जिनके बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे थे, बिकॉज सेथ रॉलिंस एक ट्रिपल थ्रेट मैच जीत के जाएंगे मेन इवेंट में रॉ के, और दूसरा ट्रिपल थ्रेट मैच जीत के कोडी रोड्स आएंगे मेन इवेंट में रॉ के। तो इन दोनों का जो मैच होगा उसमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जीतेंगे, और इनकी जो राइवलरी इतने टाइम से अधूरी पड़ी है, सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को हरा नहीं पाए है, वो फाइनली हरा देंगे। और ऐसा होगा कैसे, बिकॉज कल मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करेंगे हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिनका माथा फोड़ दिया था कोडी रोड्स ने बैकलैश में, और ब्रॉक लेसनर वापस आके कॉस्ट करवाएंगे कोडी रोड्स को ये मैच और उनको हरा देंगे, जिससे हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जीत के चले जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के फाइनल मैच में, और कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर की राइवलरी फिर से शुरू होगी नाइट ऑफ चैंपियंस में एक रीमैच के लिए। या फिर हो सकता है पहला जो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा जिसमें कोडी रोड्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसी में द बीस्ट वापस आ जाए और कॉस्ट करवा दे कोडी रोड्स को वो ट्रिपल थ्रेट मैच ही, और वहीं से शुरू हो जाए इनकी राइवलरी नाइट ऑफ चैंपियंस में एक रीमैच के लिए। आई थिंक ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार का अगर कोई सीन रखना है रॉ के ऊपर तो फिर वो मेन इवेंट में होगा, दैट्स व्हाई आई थिंक कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच होगा कल मेन इवेंट में, और उसमें रिटर्न करके कोडी रोड्स को कॉस्ट करवा देंगे ब्रॉक लेसनर वो मैच, जिससे सेथ रॉलिंस पहुंच जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस के फाइनल में, और कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर की एक रीमैच के लिए राइवलरी शुरू हो जाएगी जो कि होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। एंड अगर स्मैकडाउन की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, सबको पहले ट्रिपल थ्रेट मैच के विनर रह जाएंगे शायद दी रेटेड आर सुपरस्टार एज, और दूसरे के हो जाएंगे हमारे दी रिटर्निंग फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। एंड इन दोनों की भी पिछले रेसलमेनिया के टाइम से एक राइवलरी अधूरी पड़ी है, जिसमें एज को हरा के फाइनली एजे स्टाइल्स अपना बदला ले लेंगे और पहुंच जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के फाइनल मैच में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को फेस करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है स्मैकडाउन में, बिकॉज मंडे नाइट रॉ का तो बहुत ज्यादा चांस है कि यही होगा, ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे और कॉस्ट करवाएंगे कोडी रोड्स को मैच, और जिससे सेथ रॉलिंस पहुंच जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस के फाइनल में। इसके बाद इस पोस्टर को देखने पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इसमें हमारे द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर क्यों नहीं है, जो कि अभी अभी ड्राफ्ट हुए मंडे नाइट रॉ में, या फिर हमारे द फिंड ब्रे वाइट क्यों नहीं है, और इससे बड़ी चीज इसमें कोई ब्लड लाइन का मेंबर क्यों नहीं है, बिकॉज स्मैकडाउन के सुपरस्टार भी तो पार्टिसिपेंट है इस टूर्नामेंट में। तो यार सबसे अजीब चीज तो यही है कि हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर इसमें नहीं है, अब वो इंजर्ड है या फिर बीमार है, पता नहीं क्या रीजन है, अननोन रीजन की वजह से वो WWE से रेसलमेनिया के बाद से ही गायब चल रहे हैं। रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि उनके WWE के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का वेट कर रहे हैं, तो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब वो सीधा AEW में चले जाएंगे। और जहां तक बात रही फिंड ब्रे वायट की, तो फिर उनके बारे में भी कोई कंफर्म रिपोर्ट आई नहीं रही है, कोई कह रहा है बीमार है, कोई कह रहा है इंजर्ड है, कोई कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी है, पता नहीं क्या रीजन है, किसको सच माने। एंड इसके बाद कोई ब्लड लाइन का मेंबर क्यों नहीं है, सोलो सिकोवा हो सकते थे, जे उसो जा सकते थे ब्लड लाइन से टूटकर इस टूर्नामेंट के लिए, तो इसका रीजन ये है कि ब्लड लाइन को इस समय उनकी खुद की स्टोरी लाइन में रखा जा रहा है, ब्लड लाइन के ब्रेकअप की जो स्टोरी लाइन है, इस समय ब्लड लाइन के किसी भी मेंबर को किसी भी टाइटल पिक्चर में नहीं डाला जा रहा है, उनको अपनी ही ब्रेकअप की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व रख दिया WWE वालों ने, और दूसरे सुपरस्टार को अपॉर्चुनिटी दी है दूसरे टाइटल्स के लिए। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिससे आप WWE की और ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना कर सको।